आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। आदित्य मेडिकल्स में निशुल्क आंख जांच शिविर आयोजित। जी हाँ, बरघरवा बिंदु धाम पथ स्थित आदित्य मेडिकल्स में सोमवार को प्रसिद्ध दवा व्यवसाय सह समाज सेवी सुमन कुमार के द्वारा निशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। वहीं जांच के दौरान जरूरतमंद सैकड़ों नजदीक नेत्रहीन मरीजों के बीच मुफ्त चश्मे का भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि नेत्रहीन मरीजों का इलाज पटना के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशांत लमन के द्वारा किया गया। आदित्य मेडिकल्स के प्रोप्राइटर सह समाज सेवी सुमन कुमार ने कहा कि नगर क्षेत्र के जरूरतमंद असहाय लोगों के लिए बीच बीच में ऐसी सेवा पूर्व में भी आयोजित की गई है। उन्होंने आगे भी जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी सेवा देने की बात कही है ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति लाभान्वित हो। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के प्रति सचेत रहने की अपील की है। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। क्षेत्र में निःशुल्क हम लोग कैंप चला रहे हैं, इसमें आंख का जांच भी हो और चश्मा भी निःशुल्क हम लोग वितरण कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हम लोग अगला भी सप्ताह भी चलाएंगे, मतलब यहाँ के मतलब गरीब बरगवा नगर क्षेत्र के गरीब जनता को इससे लाभान्वित हो। इसके जांच में क्या कुछ निःशुल्क आपके द्वारा जो है चश्मा का वितरण किया जा रहा है? निःशुल्क आदित्य मेडिकल की तरफ से चश्मा का वितरण किया जा रहा है। जो है सोमवार को बुलाया जा रहा है, क्या कुछ कारण है उसमें? उसमें विस्तार से ठीक से चश्मे का जांच किया जाएगा, चश्मे का नंबर दिया जाएगा। जिन लोगों को ज्यादा माइनस पावर है, जिन लोगों को ज्यादा प्लस पावर है, हवा में कोई काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर वे में अच्छे से लोगों को चश्मा का पावर लिखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपको चश्मा का जरूरत है। आप नियमित अपना साल में एक बार आंख जांच कराइए, एक साल के बाद जो चश्मा का नंबर बदल जाता है वो इसलिए उन लोगों को बुलाया गया है। और उस दिन भी जिन लोगों को आज देखे हैं उस दिन भी उन लोगों को उस दिन कोई पैसा नहीं लगेगा, चार्ज नहीं लगेगा सिर्फ देखने का। बाकी जो चश्मा है वो उनको परचेज करना पड़ेगा, दुकान से अपना लेना होगा, क्योंकि सभी लोगों को चश्मा देना, क्योंकि अलग अलग सबका पावर है, सब पांचों उंगली हाथ के बराबर नहीं।